कंपनी धर्मराज कंपनी कंपनी ठेकेदार वकील ठेकेदार इंसान हम क्या चाहते हैं धर्मराज कंपनी कंपनी धर्मराज कंपनी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं धर्मराज कंपनी धर्मराज कंपनी जी सुबह से ये जो प्रेस प्रोटेस्ट जारी है यहाँ पे हमारी पूरी बलादरी यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे पूरा मोहल्ला है यहाँ पे आप देख सकते हो एक अपने वीडियो में इसको कैप्चर भी कर लीजिए। यहाँ पे ये रात को बंदे सोए हुए होते हैं ठीक है रात को यहाँ पे मतलब मशीनें लगा के उन्होंने इतनी खतरनाक तरीके से डेंजर तरीके से कटिंग की है यहाँ पे मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। आज यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया ठीक है यहाँ पे आज थाना मंडी से भी आई लेकिन यहाँ पे मेरा तो यही मसला था कि यहाँ पे डीसी साहब खुद बजाते खुद यहाँ पे आते और इन लोगों का सुनते और देखते यहाँ पे कि ये क्या कंडीशन है। तो कंपनी वाले यहाँ पे आते हैं वो तो किसी की सुनते भी नहीं है ठीक है आज बोल रहे हैं कि उन्होंने जब तक आपका ये प्रोसेस हल नहीं हो जाता तब तक हम इसको बंद रखेंगे रोड बंद रखेंगे लेकिन हमें तो यहाँ पे 2 महीने भी अगर बंद रहेगा तो ये कंपनी वालों को मुझे नहीं लगता इनको कोई असर होता है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाए ये औरतें सुबह से यहाँ पे मतलब रात को सुबह के 4 बजे यहाँ पे ये रोड पर आई हुई हैं तो यहाँ पे इनका कौन सुनने वाला है। एक देखना चाहिए यहाँ पे मतलब कितनी डेंजर पूरा इनका 4-5 घर है यहाँ पे ठीक है 5-7 घर है यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इनका मतलब टोटल कुर्सी सारा कुछ जो है वो इस टाइम रोड में आया है तो इनका काम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो धर्मराज कंपनी जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन इसकी हो रही है गालिबा 2-3 साल से इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसके हालात तो आप सब बेहतर जानते हैं और इसके मामलात को आप बेहतर जानते हैं कहां कहां पर इन्होंने क्या क्या किया है। और मैं सिर्फ अपने इस गांव की ये बात करना चाहूँगा कि अगर आप थाना मंडी से लेकर देर गली तक देखेंगे ये पूरा हिली एरिया है और यहाँ थोड़ी सी अगर आप कटिंग करेंगे तो ज़्यादा स्लाइडिंग होती है। अब जो अहम मुद्दा आज का है आज देखेंगे ये इन गरीब लोगों के घरों की जो पास में कटाई हुई है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इलीगल तरीके से कटाई की गई है और मैं आपके ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन तक एक पैगाम देना चाहूँगा कि इस एरिया को इसको देखते हुए इसकी कटिंग करवा जाए। हमारा रोड के लिए कोई नाजायज मतालबा नहीं है रोड बनाई जाए जितनी बन रही है उतनी बनाई जाए जितनी आपने रजौरी से थाना मंडी तक बनाई है उतनी यहाँ भी बनाई जाए और फिर जो इलीगल तरीके से कटाई की जा रही है लोगों को दरबदर किया जा रहा है ये हमारी बहनें हैं माएँ हैं ये रात 11 बजे से रोड पर बैठी हुई हैं कम से कम इनका भी तो कोई पुरसाने हाल होना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर कुछ इंस्पेक्टर साहब आए हैं या नायब तहसीलदार साहब आए हैं उन्होंने इसका एक मुद्दा उठाया है कि जब तक कोई फैसला होता तो तब तक इस काम को बंद किया जा रहा है। आपके जरिए से हम ये कहना चाहेंगे कि सख्त तरीके से इसको देखा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को इनका इंसाफ दिया जाए। साड़ी सुनवाई नहीं मेरा इतना नुकसान होया है 5 मकान मेरे और जुना जमीन भी खत्म 5 मकान भी मेरे खत्म। यहाँ लोगों ने सड़क बंद की हुई थी रात में असल में काम चल रहा था सड़क का तो कोई पस्सी आई थी पस्सी की वजह से पीछे जो मकान है उसको भी क्रैक्स आए हैं तो हम देख रहे हैं इंतजामिया की तरफ से जो भी लीगल बनता हुआ इन लोगों की मदद की जाएगी। सड़क को हमने खलवा दिया है हमने कन्वे किया है ग्रिफ वालों को और कंपनी वालों को वो भी सपाट पर पहुंच रहे हैं और इसका जो नुकसान है उसका तखमीना लगाया जाएगा।